प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए त्रणेय कृषि कायदा परत लेवानी करी जाहेरात। कृषि कायदा पाछा लेवाना निर्णयनुं देशभरमां स्वागत। राष्ट्रजोग संबोधनमां प्रधानमंत्रीए कह्युं, आगामी संसदीय सत्रमां कृषि कायदा परत खेंचवानी बंधारणीय प्रक्रिया करीशुं पूर्ण। कृषि क्षेत्र साथे जोडायेला निर्णय लेवा माटे एक कमिटीनी थशे रचना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आजे झांसीमां राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्वना समापन समारोहमां रह्या उपस्थित। रक्षा क्षेत्रे आत्मनिर्भर भारतने वेग आपता स्वदेशी उपकरणों सशस्त्र दलना प्रमुखोने सौंपाया। प्रधानमंत्रीए एनसीसी केडेट साथे सिम्युलेशन तालीम कार्यक्रम कर्यो शुरू। यूपी डिफेन्स इंडस्ट्रीयल कोरिडोरना झांसी नोड पर 400 करोड़नी योजनानी मूकी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए बुंदेलखंडवासीओने आपी अनेक भेट। पाणीनी अछतने दूर करवानी योजनाओ सहित 6,250 करोड़थी पण वधु विकास प्रोजेक्टनो कराव्यो शुभारंभ। बुंदेलखंडना कुल 8.5 करोड़ घरोमां पहोंचशे पीवानुं पाणी। प्रधानमंत्रीए कह्युं, छेल्ला 7 वर्षमां केन्द्र सरकार बंद ओरडामांथी निकळीने पहोंची देशना खूणे खूणे। शीखोना पहला गुरु श्री गुरु नानक देवजीनी आजे जन्मजयंती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूए देशवासियों ने पाठवी शुभेच्छाओं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए पण ट्वीट करीने पाठवी शुभकामना। देशमां छेल्ला 24 कलाकमां कोरोनाना नवा 11,106 केस नोंधाया। राज्य सरकारनी हर घर दस्तक कोविड वेक्सिनेशन झूंबेश अंतर्गत राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले डांग जिल्लाना गोंडल विहीर गामनी लीधी मुलाकात। गोंडलना धोराजी खाते रसीकरणना प्रथम डोजनी कामगीरी पूर्णताने आरे। प्रकृतिना खोळे वसेलो डांग जिल्लो देश माटे बन्यो रोल मॉडल। आहवा खाते राज्यपाल और मुख्यमंत्रीनी उपस्थितिमां डांग जिल्लाने राज्यनो संपूर्ण रासायणिक खेतीमुक्त प्रथम जिल्लो करायो जाहेर। मुख्यमंत्रीए कह्युं, जिल्लाना वनबंधुओ अने खेडूतोनी प्राकृतिक खेतीनी पहल देशभरना खेडूतो माटे बनशे प्रेरणास्त्रोत। अरबी समुद्रमां लो प्रेशर सर्जाता राज्यभरमां थई रह्यो छे कमोसमी वरसाद। राज्यना कच्छ मेहसाणा बनासकांठा गीर सोमनाथ सूरत नवसारी वलसाड जिल्लाओमां थयुं मावઠું। आगामी 3-4 दिवस सुधी वरसाद पड़वानी हवामान विभागनी आगाही। मावઠાને કારણે ખેડૂતોને પાકમાં ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ। સુરતના યુવાનોએ નાના સેટેલાઇટને અંતરિક્ષમાં મોકલવા માટે બનાવ્યું રોકેટ। કેનેડાની સેટેલાઇટ સ્પેસ કંપનીના સેટેલાઇટને કરશે લોન્ચ। રોકેટને નામ અપાયું કલામ। રાજ્ય અને દેશના યુવાનોને અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે આગળ વધવાની પૂરી પાડશે પ્રેરણા। રાજ્યમાં દેવ દિવાળી પર્વની ઠેર ઠેર થઈ રહી છે ઉજવણી। યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે સૌથી મોટા કાર્તિકી પૂર્ણિમાના મેળાને લઈને જોવા મળી રહ્યો છે ભક્તોનો ધસારો। તો ખેડબ્રહ્મા અંબાજી મંદિરમાં અને સાળંગપુર હનુમાનના મંદિરે ભગવાનને ધરાવાયા 56 ભોગ।